इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीती रात की गई। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूर्व पाकिस्तानी सैनिक से पूछताछ कर रही है। जी मीडिया संवाददाता राजू केनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या कर रहा था? बीएसएफ इस मामले में इससे पूछताछ जो कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात को जम्मू के जो बॉर्डर इलाके, मैदानी इलाके थे, वहाँ पे गहरी धुंध थी और उस धुंध की आड़ में जो है ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा और दो बार इसने अटेम्प्ट किया और बीएसएफ ने इसको चैलेंज करने के बाद अरेस्ट किया है। ये इसने अपने पूछताछ में अभी तक बताया कि ये पाकिस्तान का रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है और सियालकोट जिला का रहने वाला है, पाकिस्तान के सियालकोट जिला का रहने वाला है, मोहम्मद बख्श इसका नाम है। तो बाकी सारी जो है पूछताछ से की जा रही है कि इसका इंटेंशंस क्या रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें इन इलाकों में जो है काफी जो है वो तेज कर दी गई और आने वाले दिनों में जब फाग ज्यादा होती है और ज्यादा जो है ये अटेम्प्ट जो है की जाती हैं, क्योंकि इस समय पासिस जो है बंद होने पे आ जाते हैं पहाड़ों में और मैदानी इलाकों से घुसपैठ की कोशिश होती है। तो हो सकता है पाकिस्तान इस तरीके से ये कोशिश करके पहले टेस्ट करना चाहता हो किसी को भेज के कि क्या घुसपैठ पॉसिबल है या नहीं, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू केनी इस पूरी जानकारी के लिए।